थैंक यू सो मच अनन्या। तुमने साबित कर दिया आज कि अपने विश्वास की ताकत से और अपने प्यार की ताकत से हम अपने आने वाले कल की सारी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जानते हैं जानबूझकर क्या है ये शेफ ने, वो अच्छे से जानता था कि हम दरवाजे के बाहर खड़े हैं। जितना भोला दिखता है ना ये शेफ, उतना है नहीं। कई राज है इसके दिल में, कई पर्दे हैं इसकी कहानी में, जो कि हम जान के रहेंगे। अंधा बना दिया है मुझे, पर ये मत समझना मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तुम्हारा सच जानने के लिए मुझे आंखों की जरूरत नहीं है, पर सबसे पहले मुझे शिव और अनन्या को अलग करना होगा। ये क्या है? तुम्हारे नाइट सूट्स हैं, इनमें से एक पसंद करो। चूज कर। क्यों? करो तो सही। ठीक है। वो वाला? Yes! क्या हुआ? मतलब सिर्फ एक नाइट सूट सिलेक्ट करने में इतनी खुशी? हम देखना चाहते थे कि तुम कौन सा पसंद करते हो। ये सफेद, ये काला। काला रंग शैतान का होता है और सफेद पवित्रता का प्रतीक होता है, अच्छाई का। इसलिए तुम नए एक नंबर की झल्ली हो। तो है अनन्या, एक रंग पसंद करने से हकीकत तो नहीं बदल सकती ना, और हमारी दूरियां ही हकीकत है, वही सच है। कैसे मिटा पाओगी तुम उसे? और इन दूरियों को हमारी किस्मत नहीं, हमारी लकीरों पे लिखा है। और जो तुम्हारी जान को खतरा है मुझसे, उसका कैसे रोक पाऊंगा मैं उसे? बात तो सही कह रहे हो तुम, खतरा तो है हमें तुमसे, बहुत ही बड़ा खतरा है। नींद जो पूरी नहीं होने देते तुम हमारी, अरे सोने ही नहीं दे रहे हो। ऐसे देखो, डार्क सर्कल्स हो गए हमारी आंखों के नीचे, और ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिनों में तो कान के पर्दे भी फट जाएंगे। सीरियसली, ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है? प्रॉब्लम्स को अगर मजाक मिलो ना, यूं फुर्र करके भाग जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि हम टूटने वालों में से नहीं है। और रही बात रंग पसंद करने की,
अच्छाई की तरफ बढ़ता हमारा छोटा छोटा कदम भी ना बहुत मायने रखता है हमारे लिए शिव। तुम देखना ऐसे नन्हे नन्हे कदमों से हंसते खेलते हम मंजिल के इतने करीब पहुंच जाएंगे कि तुम्हें सफर का पता भी नहीं चलेगा। मैंने इस वक्त तो हंस पा रहा हूं मैं, क्योंकि आज का सूरज तो डूब गया है, लेकिन कल फिर। आने वाले कल से इतना डरोगे ना तो वो डरावना ही दिखेगा। हंस के स्वागत करो नई सुबह का। ये देखो कैसे तुम्हारी नई सुबह हर पल से खुशियां ही खुशियां लेकर आती है। पहले क्या कम डरावनी लगती थी जो अभी एक डाकू बन के आई हो? ये तुम्हारी आंख पे क्या हुआ? मसाला पीसते पीसते मिर्ची आंख में चली गई इसलिए। ये क्या, ये कहां से आया जी? हम देखते हैं। अल्ट्रा तो कभी नहीं हुआ हमारे घर में। गुटली क्या है? ये तो बुरखा लग रहा। चूड़िया? ये क्या? पढ़ो क्या लिखा है। तुम्हारी बेटी ने पूरे मोहल्ले के मुंह पर कालिक पोत दी। और तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, इसीलिए ये चूड़ियां और बुरखा तोहफे में रख लो। कल से यही पहनना। कौन है ये बदतमीज? इसकी तो मैं किस किस का मुंह बंद कराएंगे आप? घर में आग लगी है तो धुआं तो उठेगा ही, और उसकी महक से लोग बातें बनाएंगे। लोगों का मुंह बंद करना है तो पहले ये आग बुझाइए। वो दोनों अभी भी कमरे में, उन दोनों को बाहर निकाल पाए तो लोगों का मुंह बंद कर पाएंगे आप। बिल्कुल सही कह रही है मामी। सबसे पहले तो उन दोनों को अलग कीजिए, पूरे घर में गंद फैला रखी है। तो फिर ठीक है, आज के बाद वो दोनों एक साथ एक कमरे में नहीं रहेंगे। मैं कपड़े बदल कर आता हूं। वो हमें दे दो। हाँ
अनन्या तुम्हारी पीठ पे क्या हुआ? रैशेस हुए होंगे शायद, होते ही रहते हैं। दिखा। शिव। देखो झूठ मत बोलो, ये साफ साफ बताओ हुआ क्या है। अच्छा, ओके। एक्चुअली जब हम वो तुम्हारे लिए बर्फ की बोरी ला रहे थे ना, इधर बैठो तुम। दरवाजा खोलो। मम्मी आपकी आंख क्या हुआ? अनन्या तुम और शिव आज के बाद एक साथ एक कमरे में नहीं रहोगे। पापा पर हम और शिव शादीशुदा है ना? हम नहीं मानते उस रिश्ते को। तुम्हारी वजह से हम शिव को इस घर में रहने की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें शिव के साथ रहने की इजाजत नहीं देंगे। आज से तुम केतु के साथ रहोगे। क्या कर रही हैं आप? अगर अनन्या केतु के रूम में रहेगी तो वो कभी भी किसी भी वक्त शिव के पास आ सकती है। तुम केतु के साथ नहीं, हमारे साथ रहोगी। हमारे कमरे में 24 घंटे हमारी नजरों के सामने। ठीक है पापा, हम आपके साथ रहेंगे। आप लोग चलिए, हम अपना सामान लेकर आते हैं।
परेशान काहे हो रहे हो? रिलैक्स एंड थैंक यू. थैंक यू. सीरियसली, जो बेटी बचपन से लेकर आज तक अपने पापा की लोई सुनने के लिए तरसी हो, उसे आज तुम्हारी वजह से उनके करीब सोने का मौका मिलेगा. तो थैंक यू. हम चलते हैं. अपना ख्याल रखना. गुड नाइट. बस यूं ही तुम्हें तुम्हारी खुशी देकर तुमसे बहुत दूर चले जाऊंगा. मान से इतनी दूर की मेरी बुराइयों का साया तुम तक ना पहुंच पाए. क्या कर रही हो मेरे कमरे में? वो आज फाइनली कचरा साफ हुआ है तुम्हारे कमरे से. आई मीन डस्टबिन भर गया था, वो खाली हुआ है, लेकिन बुरी स्मेल ना अभी भी बाकी रहेगी. तो बस कमरा साफ कर रहे थे ताकि तुम पे किसी भी बुरी चीज का असर बाकी ना रहे. Thank you so much for the concern. Good night. Good night. अनन्या को तो यहां से बाहर कर ही दिया है. अब बस बहुत जल्द अनन्या को तुम्हारी जिंदगी से बाहर करके तुम्हें अपना बना लेंगे. हमारे खानदान पे काला धब्बा हो तुम दोनों ने आज जो घटिया हरकत की है उसकी सजा हम तुम्हें दे के रहेंगे. शैतान बनने के बाद मेरा शरीर सूरज की रोशनी को झेल नहीं पा रहा है. एक रंग पसंद करने से हकीकत तो नहीं बदल सकती ना, और हमारी दूरियां ही हकीकत है. हम और शिव शादीशुदा है ना? हम नहीं मानते उस रिश्ते को. तुम्हारी वजह से हम शिव को इस घर में रहने की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें शिव के साथ रहने की इजाजत नहीं देंगे. मम्मी, हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करती हो, हमारी बहुत परवाह करती हो, पर हम भी शिव से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए जो हम तय किए हैं वो तो हमें सुबह करना ही होगा, फिर चाहे उसका नतीजा जो भी हो. मुझे और अनन्या को अलग करके मोहिनी ने अपनी चाल चल दी है, पर अच्छा एटलीस्ट ये तो क्लियर हो गया कि उसे अभी भी लगता है कि वो अनन्या को मन तक पहुंचा सकती है. पर अफसोस, वो ये नहीं जानती कि मन और मानसी कब के एक दूसरे के हो चुके हैं.